नमस्कार, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे हो, स्वस्थ हो, सुरक्षित हो। और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे शाम के 7:30 और हमने सोचा फिर पूरे हफ्ते टाइम नहीं मिलता तो ये पूरा कमरा जो इतना बिखरा हुआ है वो हम समेट देते हैं, फटाफट पूरी सेटिंग वगैरह कर देते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और अब मिलते हैं आपसे हम ये थोड़ा सा काम करके। कोई सेंस है इस बात की? ताकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस बन जाए। ये मम्मी को ऐसे होता रहता है बीच बीच में ना कि नहीं अभी यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है वहाँ कर दो। एक दिन से बोर हो जाते हैं, ये होता ही है। मेरा इवन मेरा सेटअप ऊपर का भी कितनी बार मैं चेंज कर चुकी हूँ तो इनको एक सेटिंग कभी पसंद नहीं आती है। तो अभी ये कुछ मतलब जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए ये ऐसा ही है। नहीं, ये ऐसा ही है, ये सेकंड है। हाँ, पहले ही ऐसे ऐसे बेड्स लगे हुए थे। अब ये थर्ड टाइम है कि हम ये चेंज कर रहे हैं। तो थोड़ा दम दिखाते रहे और ये थोड़ा शिफ्ट करते हैं हम। कोशिश ही इतने हैवी हो रहे हैं, हमसे उठाए नहीं जा रहे हैं, बट चलो करेंगे, कोशिश करते हैं। ये पूरा नीचे इसका 1 2 3 4 अब वो एक उधर जाओ एक इधर जाओ कोने में और पैरों से इधर करो। ये पहले आगे कर लेते हैं। अरे ये होगा तभी ना जब ये इधर जाएगा बेटे। उधर जा नोनी ऐसे। 1 2 3 बहुत आगे नहीं लग रहे अभी हो रहे। मुशक्कत के बाद हमने कमरे का हुलिया बिल्कुल ऐसे से ऐसा नहीं ऐसे से ऐसा कर दिया, पलट दिया हमने बिल्कुल, उल्टे से सीधा कर दिया। हाँ, अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, जो भी है आपने देखा था जब हमने कमरे की सेटिंग करनी स्टार्ट करी थी कैसा था, बिल्कुल चमका दिया इस रूम को। अब बस पिल्लो का बस चेंज करने और ये ब्लैंकेट्स आ जाएंगे धोने के लिए। एक्चुअली ना फिर पूरे वीक हमें टाइम नहीं मिलता घर के कोई भी काम में मम्मी का हाथ बटाने का, तो छुट्टी के दिन जितना भी जो होता है कर लिया है। माँ थैंक यू। ये तो ऐसा लगा कि मैंने थैंक यू बुलवाने के लिए पूछा। नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा। सो बस अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं और अब डिनर बनेगा, फिर बर्तन भी बचे हुए वो करने जाके। आज इसकी ड्राइंग की भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई सुबह से। जैसे आपको पिछले ब्लॉग में पता चला कि हम लोग उठे दोपहर को मतलब 11:30 बजे और फिर हम दोबारा सो गए थे। तो ऐसे ही रहा, छुट्टी का दिन तो पता ही नहीं चलता कब बीत जाता है। हवा है बिल्कुल, बहुत जल्दी बीतता है ऐसा लगता है। कोई ना, नहीं लगता छुट्टी के दिन इतना जल्दी बीत जाता है ना। बोल अब बोल दी उन्हें, हंसती रहेगी क्या? जब से मैं बोल रही हूँ बीच में कोड़ लगी हुई है और जब मैं इसके पे कैमरा करती हूँ बोलती नहीं है। कब से मैं ब्लॉग बना रही हूँ मैं बोल रही हूँ पीछे से बोली जा रही है। अब जब मैंने इसकी तरफ कैमरा वो करा है घुमाया है हंसी जा रही है। अरे बोल अब क्या बोलना है, बोल रही क्या
पहले तो बोल रही थी ना कि हाँ यार छुट्टी का दिन बीत जाता है, टाइम नहीं मिलता, ये वो, अब बोल हाँ। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, छुट्टी का दिन बहुत जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता कब बीत गया। ये बात मैंने भी बता दी थी, तूने कुछ अलग बताया है, कुछ अलग बताया तो बता दो। मेरे को याद यार क्या बोल रही है, मेंटल कैसे क्रैक है, हाफ नहीं फुल क्रैक है सर। तूने भी हरकत करी है ना, बेटा पिल्लो फाइट ना फिर मैं आ गई ना फिर बचेगी नहीं अगर मैं जय भी कुछ हरकतें कर रहा है। क्या हरकत अभी अभी नाच रहा था बड़ा अच्छा कर डांस कर। ये इसने कल मुझसे इतनी लड़ाई करी है, इतनी लड़ाई करी है कल रात को, कहते तूने मेरा वो चॉपस्टिक वाला सीन डाला क्यों पिछले ब्लॉग में, मैं बनैन में बैठा था, इतना गुस्सा हो रहा है और अब कह रहा मैं आऊंगा नहीं है नेक्स्ट ब्लॉग में। पूरा टी शर्ट पहन के बैठा है। हाँ बॉयज वैसे घूमते हैं, इसमें कौन सी शर्माने वाली बात है, देखो बात भी नहीं कर रहा है, गुस्सा होके बैठा है। गाइस आप बताओ कॉमेंट सेक्शन में कहीं बुरा लग रहा था ये, कुछ गलत लिया मैंने, आप बताना कि इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात होगी। मैं तो बस दिखा रही थी, वो चॉपस्टिक से खा रहा है, अब तारीफ भी हजम नहीं लोगों। एक और पिल्लो फाइट का स्ट्रोक आया मुझ पे, अब अगर मैं सही बता रही हूँ मैं मारूंगी तुम दोनों को, तो चलो अब थोड़ा ब्रेक लेते। और वैसे ना ये शिफ्ट करके मन लगे थोड़ा चेंजेस करके काफी स्पेशियस लगने लग गए रूम, पहले ना थोड़ा ऐसे मम्मा का आइडिया कभी रॉन्ग थोड़ी हो सकता है। सो हाँ काफी मतलब अच्छा आइडिया लगाया और सेटिंग काफी अच्छी हो गई रूम की, अब काफी बड़ा बड़ा सा लग रहा है कमरा, तो ग्रेट सक्सेस। सो गाइज अभी बज चुके हैं रात के 12:30, 12:30 हो गए रात के, और डिनर वगैरह सब हो गए और इसी के साथ हमारी छुट्टी भी खत्म हो गई, कल से बैक टू वर्क। और बस अभी मेरी वीडियो की थोड़ी सी एडिटिंग बची थी, वही कंप्लीट कर रही थी मैं, अभी अपलोड करना है एडिट के बाद। सो बस बाकी सब भी जगे हुए ही अपना काम कर रही है, बाकी सब भी जगे हुए हैं। सो अपना काम खत्म करते हैं और मिलते हैं हम सुबह, सो गुड नाइट। सो गाइज अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, अभी बज रहे सुबह के 7:07 हो गए हैं, मैं 7:45 उठ गई थी, फ्रेश वगैरह हुई हूँ और अभी जा रही हूँ साइकिलिंग के लिए और मिलती हूँ आपसे वहीं। दीदी अभी सो रही है, वो 8 बजे तक उठेगी, उसका शेड्यूल आज कुछ और है, मेरा कुछ और है, तो मिलते हैं आपसे वहीं। तो मैं यहाँ पहुँच गई हूँ अपने पीछे वाली रोड पे और पीछे का नज़ारा भी बहुत अच्छा हो रहा है, बादल सारे नीचे आए हुए हैं और अभी साइकिलिंग करते करते तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं स्टैंड लाई थी इसमें अटका के, क्योंकि पकड़ नहीं पाती इसलिए मैं इसमें अटका के ले आई। तो स्टैंड लगा के अब मैं फ़ोन यहाँ लगा देती हूँ और अपनी साइकिलिंग कंटिन्यू करती हूँ। सो गाइस अभी मैं पहुँच गई हूँ घर और 7:45 हो रहे अभी, तो अभी मैं पहुँची हूँ घर, तो अभी मैं थोड़ा सा हाथ मुँह वगैरह धोती हूँ, बहुत पसीना आ रहा है, फिर बाकी कामों पे लग जाती हूँ, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइज अभी बज रहे सुबह के 8:30 और अभी मैं उठी हूँ और बस अभी थोड़ा घर का काम बचा हुआ है, बर्तन धोने जो कि कल धोने थे वो हमने धोए नहीं, तो अभी निष्ठा शुरू हो गई है, मैं भी अभी जाती हूँ हेल्प करती हूँ और थोड़ा घर का साफ सफाई करनी है, बस फिर मिलते हैं अब अकेडमी जाते वक्त जब मैं रेडी हो जाऊँगी। सो सी यू। सो गाइज अब निकल पड़े हम रेंज के लिए, आज मार्केट साइड थोड़ा काम था तो आज पापा साथ आए, वो काम जितने भी है निपटा लेंगे। सो बस अभी रेंज चलते और घर के काम हम सब ख़त्म करते करते बहुत लेट हो गया था, तो बस अभी नहा के ऐसे निकली हूँ, बाल बाल भी गीले ही है, सो बस अब चलते और मिलते हैं रेंज पे। So
सो गाइज हम पहुंच चुके रेंज और अब यहाँ आके मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया है। सो बस अब प्रैक्टिस शुरू करते हैं और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल सेम टाइम 9 बजे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल, तब तक प्ले स्टे सेफ, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।